अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर मलिक, सर्वेइंग इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से आपके साथ। आज मैं अपने चैनल के तवसल से आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिविल 3D को एज ए ऑटो कैड के अंदर, क्लासिक व्यू के अंदर कैसे लेके जाएंगे और उसको एज ए ऑटो कैड आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन है हमारे पास, जो कि वो आम नज़र में नज़र नहीं आता और काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि इसके बारे में। तो वो इसकी आसानी के लिए मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसके व्यू के अंदर आप कैसे, क्लासिक व्यू के अंदर आप कैसे इसको डाइवर्ट करेंगे और अपना काम एज ए ऑटो कैड के ज़रिए आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसके अंदर ये नीचे इसका ऑप्शन आ रहा है अगर सेटिंग का, वर्क स्पेस स्विचिंग का, इसका स्विच है। इसके अंदर ये आपको इधर से इसका ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा किसी किस्म का। सिविल 3D ड्राफ्टिंग है, एनोटेशन और सिविल 3D मॉडलिंग वगैरह तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके पास से दस का क्लासिक व्यू नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको कैसे चेंज करेंगे इसका। और इसकी देखेंगे सेटिंग के अंदर भी चले जाते हैं आप, और सेटिंग के अंदर भी आपको जाके इसके अंदर ऑटो कैड वाला ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा किसी किस्म का। ये चार ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, तो इसके लिए उसके बाद दूसरा इसका मेन्यू टैब ऊपर भी आएगा, इसके अंदर भी सेम टू सेम ये चीज़ें आपको इधर से कुछ भी इसका नज़र नहीं आ रहा। मैं इधर से ऑटो कैड ड्राफ्टिंग है एनोटेशन करता हूँ और इधर से इसको मैं चेक करता हूँ। लेकिन इसके अंदर भी मेरे पास उधर से ऑप्शन कोई नज़र नहीं आ रहा। तो इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन आएगा कि आप इसके अंदर ऑप्शन की कमांड में जाएंगे, ओपी टाइप करेंगे, ओपी टाइप करेंगे आपके सामने ऑप्शन की कमांड आ गई है, इसको आप क्लिक कर दें और ये आपके सामने इसकी टैब ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर के आपको ये इसके सारे मेन्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इसकी सेटिंग्स और आप इसकी सेटिंग को कैसे आप चेंज कर सकते हैं सारा। तो इसके लिए देखें सिंपल सी बात है, इसके अंदर सबसे पहले ये आपको इधर आखिर में तीसरे नंबर के ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है प्रोफाइल्स का, प्रोफाइल्स को आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखें आपके पास इधर ऑटो कैड वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, और इससे ऊपर आपके पास सिविल 3D इम्पीरियल मैट्रिक और इसकी प्रोफाइल्स और ऑटो कैड, ऑटो कैड वाली प्रोफाइल्स को आप इधर से सिलेक्ट करके और करंट सेट करंट कर देंगे। अगर सेट करंट करेंगे तो ये आपके पास मुकम्मल व्यू ऑटो कैड क्लासिक का आ जाएगा, जिसके ज़रिए कि आप अपना सारा काम बहुत ही इजी वे के ज़रिए कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, सिविल 3D इंस्टॉल करके एज ए ऑटो कैड भी अपना काम आप कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके ओके कर दें तो ये इसकी पूरी सेटिंग बार्स और सारा कुछ आपके सामने क्लासिक व्यू के हिसाब से आप राइट क्लिक करके अपने टूल बार्स और जो भी चीज़ें आप इधर ऐड करना चाहते हैं और करना चाहते हैं वो आप इधर इजी तरीके से इसको कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं सारे। हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। तो इसके बाद आप देखेंगे मैं दोबारा ये टैब मेन्यू में आ जाता हूँ नीचे और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मेरे पास ऑटो कैड क्लासिक वाला ऑप्शन आ गया है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। और इसी तरीके से मैं इसको जैसे चेंज कर सकता हूँ और इसके वर्क पे स्पेस सेटिंग के अंदर जाके भी मैं चेक कर लेता हूँ, ये मेरे पास आ रहा है, अब इसका ऑप्शन आ रहा है और ये ऊपर ऑटो कैड क्लासिक लिखा हुआ है, 3D बेसिक्स मॉडलिंग और ये इसके सारे हैं, जिसको मैं क्लिक करूँगा वो जैसे मेरा ऑप्शन इधर से चेंज हो जाएगा सारा। ये देखें और 3D मॉडलिंग ये सारे और ऑटो कैड क्लासिक ये कंप्लीट व्यू, और इसके अंदर आप अपना सारा काम इजी वे के ज़रिए कर सकते हैं।